3D एनिमेशन की मदद से आज की इस वीडियो में हम राफेल के मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे और इसके एक एक पुर्जे को अच्छे से टेक्निकली एनालाइज करके इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि राफेल इतना खास क्यों है, यानी कि व्हाई राफेल इज सो स्पेशल। अगर बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करूं तो राफेल के तीन अलग अलग वेरिएंट्स हैं, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। ये राफेल का जो तीसरा वेरिएंट है राफेल एम, ये नेवी के लिए है और चूंकि इंडिया ने इसे नहीं खरीदा है तो फिलहाल के लिए इसको स्किप कर देते हैं। इस बात पे ध्यान दो कि राफेल बी और राफेल सी में सिर्फ एक मेन डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि राफेल बी एक ट्रेनर वेरिएंट है और राफेल सी एक फाइटर वेरिएंट है। नहीं समझे कोई बात नहीं, अब समझो। राफेल बी के ट्रेनर वेरिएंट होने का मतलब है कि ये ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है जिसमें एक सीट पे एक्सपर्ट बैठेगा और दूसरी सीट पे जो पायलट राफेल की ट्रेनिंग ले रहा है वो। राफेल सी के फाइटर वेरिएंट होने का मतलब ये है कि ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको डॉग फाइट्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। इस वीडियो में डॉग फाइट का जिक्र होता रहेगा, इसलिए आपको बता दूं कि दुश्मनों के बीच हो रही ऐसी फाइट जो आसमान में फाइटर जेट्स के माध्यम से क्लोज रेंज में रहकर होती है उसे डॉग फाइट कहते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा चूंकि राफेल बी एक ट्रेनर वेरियंट है तो ये सिर्फ ट्रेनिंग के काम आएगा, ऐसा नहीं है। राफेल बी में ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स हैं जो राफेल सी में हैं। युद्ध के समय इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने फ्रांस में स्थित डसो एविएशन नामक कंपनी से टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स खरीदे हैं जिसमें से 6 तो ट्विन सीटर ट्रेनिंग वाले यानी कि राफेल बी एयरक्राफ्ट हैं और बचे हुए 30 राफेल सी एयरक्राफ्ट हैं। अब इससे पहले कि राफेल के एक एक पार्ट का हम साइंटिफिक एनालिसिस करें, इस राफेल बी एयरक्राफ्ट का यानी कि इस ट्रेनिंग वेरियंट का एक छोटा और इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुन लीजिए। भारत की पाकिस्तान और चाइना के साथ गर्मा गर्मी को मद्देनजर रखते हुए 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल एयरक्राफ्ट अर्जेंसी में फ्रांस से मंगवा लिए गए हैं। उसमें से एक राफेल जिसका नाम RB003 है, उसकी टेल पर कोरोजन यानी कि सरफेस और पेंट डैमेज हो रखा था। तो उस दिन पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने ये बात कही और सोशल मीडिया में इस बात का खूब मजाक बनाया कि फ्रांस ने इंडिया को नए राफेल की कॉस्ट पे सेकेंड हैंड या पुराने राफेल चेप दिए। जबकि देखा जाए तो असलियत ये है कि ये जो RB003 यूनिट है ये राफेल बी एयरक्राफ्ट है और एक ट्रेनर वेरिएंट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रांस में जब ये था तब इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की इसी में ट्रेनिंग हुई थी। और उससे भी ज्यादा कॉमन सेंस की बात है कि इतनी ज्यादा स्पीड में जब फाइटर जेट फ्लाई करेगा तो पेंट डैमेज तो होगा ही। मतलब इनके सेंस ऑफ ह्यूमर का लेवल देखो और फिर गाते फिरते हैं कि इन्हें कश्मीर चाहिए। खैर, हमारे लिए जो सीखने वाली खास बात है वो ये कि 36 में से जो 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनके इनिशियल्स हैं RB और जो 30 सिंगल सीटर वेरिएंट हैं उनके इनिशियल्स हैं BS। अब यहाँ पे BS का मतलब है बीरेंद्र सिंह धनोआ, मतलब वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ रहे। और RB का मतलब है राकेश भदौरिया, यानी कि वो व्यक्ति जो 30 सितंबर 2019 से अब तक इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। अब बात करते हैं राफेल के मैकेनिकल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो ध्यान रहे कि इस टिप से लेकर इस टेल तक राफेल की लंबाई है 15.30 मीटर्स और यहां से लेकर यहां तक राफेल का विंग स्पैन है 10.90 मीटर्स। इसके अलावा जमीन से लेकर टेल के टॉप तक राफेल की हाइट है 5.30 मीटर्स। इस जेट फाइटर के ये जो विंग्स हैं इन्होंने जो एरिया कवर कर रखा है वो है 45.7 स्क्वायर मीटर्स। अब जब भी डॉग फाइट होती है
तो कौन सा फाइटर जेट कितना वेट कैरी कर सकता है ये बहुत मायने रखता है। राफेल कितना वेट कैरी कर सकता है इसको समझने के लिए पहले एक नज़र इसके एक्सटर्नल लोड्स पर डाल लेते हैं। हालांकि ये राफेल के जितने भी वेपन्स हैं, इनका इनडेप्थ एनालिसिस, इनकी पूरी डिटेल्स, ये किस तरीके से तबाही मचाते हैं, ये हम सब 3D एनिमेशन की मदद से एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो इस प्रोफेसर ऑफ हाउ YouTube चैनल पर कब अपलोड होगी इसके बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये राफेल की पहली मिसाइल है जिसका नाम है स्कैल्प। ये राफेल की दूसरी मिसाइल है जिसका नाम है माइका। ये तीसरी मिसाइल है जिसका नाम है मिटियोर। और ये राफेल की चौथी मिसाइल है जिसका नाम है हैमर। इसके अलावा राफेल में जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर मिसाइल भी अटैच की जा सकती है और वो न्यूक्लियर मिसाइल ये है जो मेनली ASMPA के नाम से जानी जाती है। और अगर जरूरत पड़ती है समुद्री जहाजों को तबाह करने की तो राफेल के पास AM-39 एग्जोसेट एंटी शिप मिसाइल है जो कि ये है। फिर अगर गोलीबारी करनी पड़ी तो राफेल के पास ये GI-80-30 रिवॉल्वर कैनन है। अगर बॉम्ब्स की कैटेगरी की तरफ बढ़े तो राफेल के पास ये नॉन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, यानी कि अगर राइट टाइम पे ऊपर से ड्रॉप कर दिए जाएं तो मोमेंटम की वजह से सही जगह पर गिर के टारगेट को तबाह कर देंगे। इनके अलावा जो इंटरेस्टिंग बॉम्ब्स हैं वो ये हैं, यानी कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। थेलेस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये टेलियोस पॉड है। ये राफेल में इस जगह लगता है और इसका काम होता है इस वेपन को गाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स किस जगह गिरेंगे ये टेलियोस पॉड की मदद से लेजर टारगेटिंग करके तय किया जाता है। इस टेलियोस पॉड की तरह ही दिखने वाला उसी थेलेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है रेकी पॉड। ये पॉड दुश्मन की एक एक हरकत पे नजर रखने के लिए काम आता है। इस सब के अलावा राफेल एक बार में ऐसे 5 ड्रॉप टैंक्स कैरी कर सकता है। ये ड्रॉप टैंक्स हैं और इनके अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है। अगर गाड़ी का एक टायर खराब हो जाए तो जैसे हम सपोर्ट के लिए स्टेपनी रखते हैं वैसे ही राफेल को अगर दूर जाना है और इसमें फ्यूल कम पड़ जाए तो सपोर्ट के लिए ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं जिन्हें ड्रॉप टैंक्स भी बोला जाता है। ये अच्छी खबर है कि राफेल के पास वेपन्स की इतनी वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है। लेकिन बुरी खबर ये है कि राफेल फाइटर जेट इन सबको एक साथ कैरी नहीं कर सकता। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के किसी भी फाइटर जेट में ये हार्ड पॉइंट्स होते हैं, इन्हें ही पाइलन भी बोला जाता है। अब राफेल के पास टोटल 14 ऐसे हार्ड पॉइंट्स हैं और इनमें से 5 हार्ड पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो हैवी लोड कैरी करने के लिए हैं। अब इन सब में से हैवी लोड की कैटेगरी में कौन कौन आता है? हैवी लोड की कैटेगरी में मेनली ये ड्रॉप टैंक्स, ये न्यूक्लियर मिसाइल ASMPA और ये स्कैल्प मिसाइल आते हैं, क्योंकि बाकी सारी मिसाइल्स तो हल्की हैं, 100-150 केजी तक की हैं। लेकिन इस स्कैल्प मिसाइल का वेट 1300 केजी है और इस न्यूक्लियर मिसाइल का वेट 860 केजी है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये हार्ड पॉइंट्स कॉकपिट से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं और अपनी मर्जी से एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हार्ड पॉइंट्स हैं ये 3 हैमर मिसाइल्स के लिए हैं और ये जो 3 हार्ड पॉइंट्स हैं ये ड्रॉप टैंक्स के लिए हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पायलट का मन हुआ तो उसने ड्रॉप टैंक्स को हैमर मिसाइल के हार्ड पॉइंट्स पे लगवा दिया और हैमर मिसाइल को ड्रॉप टैंक्स के हार्ड पॉइंट्स पे लगवा दिया। ऐसे में सिस्टम फेल हो जाएगा। खैर, अब आप अपनी जिंदगी में 2 मिनट पीछे जाओगे तो आपको याद होगा कि अपनी एक्सटर्नल लोड की कहानी ही इस बात से शुरू हुई थी कि राफेल कितना वेट कैरी कर सकता है। अगर राफेल पर से पूरा एक्सटर्नल लोड हटा दिया जाए तो राफेल का टोटल वेट है 10,300 केजी।
यानी कि सिर्फ इसकी बॉडी का वेट है 10,300 केजी और एक बार में राफेल के अंदर टोटल 4,700 केजी फ्यूल डाला जा सकता है। अगर फ्यूल की बात छिड़ ही गई है तो आपको बता दूं कि जेट फाइटर्स में ऑलमोस्ट ऑल केसेस में फ्यूल हमेशा विंग्स में स्टोर होता है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जब पतंग उड़ती है तो आपने नोटिस किया होगा कि साइड से उसके विंग्स ऊपर हो जाते हैं। अगर जेट फाइटर के विंग्स में फ्यूल ना हो तो इतनी ज़्यादा स्पीड में मूव करने की वजह से सेम केस इसके साथ भी होगा। कंक्लूजन ये हुआ कि अगर विंग्स में फ्यूल रहता है तो काउंटर स्ट्रेस में हेल्प मिलती है। विंग्स में फ्यूल स्टोर करने का दूसरा रीजन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों विंग्स में से एक साथ फ्यूल डिप्लीट होता जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं बनी रहेगी जहां होनी चाहिए, जिससे राफेल एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल रहेगा। खैर, अब वापस वेट की बात करें तो राफेल के अंदर जो केरोसिन फ्यूल डाला जाता है वो 4,700 केजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राफेल पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ है तो राफेल का टोटल वेट होगा 10,300 प्लस 4,700 यानी कि 15,000 केजी। अब डसॉ एविएशन, फ्रांस की वो कंपनी जिसने राफेल को बनाया है, उसका कहना है कि राफेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24,500 केजी। अब ध्यान से समझो, राफेल का टोटल 15,000 केजी वेट तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है बॉडी वेट प्लस फ्यूल वेट। अब अगर हमें राफेल की टोटल एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी यानी कि ये कैलकुलेट करना है कि ये अपने हार्ड पॉइंट्स पर कितना ऑर्डनेंस या वेपन्स कैरी कर सकता है, तो वो हुआ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट माइनस बॉडी वेट प्लस फ्यूल वेट। अब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24,500 केजी माइनस बॉडी वेट है 10,300 केजी प्लस फ्यूल वेट है 4,700 केजी, तो ये टोटल हुआ 9,500 केजी। इसका मतलब ये निकला कि 9,500 केजी का टोटल एक्सटर्नल लोड राफेल कैरी कर सकता है। अब ये वार की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि राफेल किस समय क्या कैरी करेगा। बस इतना याद रहे कि मैक्सिमम 9.5 टन से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। अगर सिर्फ रेकी करने या पेट्रोलिंग करने जाएगा तो राफेल में रेकी पॉड लगा दिए जाएंगे और ड्रॉप टैंक्स लगा दिए जाएंगे ताकि दूर तक जा सके। अगर ग्राउंड पे कोई टारगेट डिस्ट्रॉय करना होगा तो स्कैल्प मिसाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर किसी हवाई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होगा तो मिटियोर मिसाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी एंड सो ऑन। राफेल या दुनिया का कोई भी फाइटर जेट अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके अराउंड अगर 3 घंटे की मूवी भी बन जाए तो भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएं। अगली वीडियो में हम राफेल का थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इसे आसमान में ले चलेंगे। वहां से इसके हर एक वेपन को यूज करेंगे, अटैक करेंगे और देखेंगे कि इसका वेपन सिस्टम कितना पावरफुल है। इन एडिशन टू टॉप स्पीड, सर्विस सीलिंग, फेरी रेंज, कॉम्बैट रेडियस एंड जी लिमिट्स, हम ये भी देखेंगे कि कहां पर इसमें कौन कौन से रडार्स लगे हुए हैं और उनमें ऐसा क्या खास है जो इसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाता है। गुड न्यूज ये है कि अगली वीडियो ऑलरेडी 50% कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द ही इस प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर जारी होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।